हालांकि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी आज की इस रैली के बाद। वो ये कहेंगे कि हम सब यहां इकट्ठे हुए एक आदमी को हटाने के लिए, जो आज देश का प्रधानमंत्री है उसको हटाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है एक सोच का, एक विचारधारा की, और हम उस सोच और उस विचारधारा के विरोध में आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 56 महीनों में जो कुछ हुआ है इस देश में, उससे सबसे बड़ा खतरा जो पैदा हुआ है वो हुआ है देश के प्रजातंत्र के लिए, देश की लोकशाही के लिए। आज कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है इस देश में जिसको कि इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी हो। और इसलिए देश में प्रजातंत्र की, लोकशाही की रक्षा करने के लिए हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सामने मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दे मुद्दा है, मुद्दे मुद्दा है। और हम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मोदी को मुद्दा बनाएं, और मैं अब सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम मुद्दों को मुद्दा बनाएं। देश में लोकशाही खतरे में है, देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ये पहली सरकार है भारत देश में स्वतंत्रता के बाद जो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करती है। हम सब लोग सरकार में रहे, कभी अच्छे आंकड़े आए, कभी उतने अच्छे आंकड़े नहीं आए, लेकिन कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि आंकड़ों को सजा के, बढ़ा के, चढ़ा के पेश करो। ये पहली सरकार है जो आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है।